हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो जैसे कि हम लोग लेसन फाइव में टू डिजिट है, प्रीवियस वीडियो में जो था टू डिजिट का हम लोग ऐड पढ़ रहे थे विद कैरिंग, है ना, विदाउट कैरिंग विद कैरिंग। हम लोग विदाउट कैरिंग भी पढ़ चुके हैं और विद कैरिंग पढ़ चुके हैं। बट अब जो है इसमें आपको थ्री डिजिट का, है ना, थ्री डिजिट का ऐड पढ़ना है विद कैरी, है ना। कैरी वाला के साथ आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसा कि 7, 6, 4, 5, 3, 1, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो आप लोगों को जो ऐड पढ़नी है उसमें आप लोग कैरी के साथ पढ़ना है ना। तो कैरी के साथ पढ़ना है तो कैरी वाला में हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टू डिजिट का बताया था, अब थ्री डिजिट का। बस वन स्टेप क्या करना है आपको, बढ़ जाना है। तो 9 + 4 क्या होता है, कितना होता है, 9 + 4 = 13। 3 कैरी क्या हो गया आपका, 1 हो गया। 6, 3 क्या है, 9, 9, 1 क्या हो जाएगा आपका, 10 कैरी क्या हो गया आपका, 1, 7, 1, 8 कैरी क्या है आपका, 1, 8, 1, 9, है ना। जो आप जो है इसे इस प्रकार से कैरी के साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि ऐड जो भी 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ध्यान में रखना है कि कैरी कितना आपका लेफ्ट हो रहा है, है ना, कैरी कितना आपका रिमेन हो रहा है। उसमें आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि हमें कैरी कितना हो रहा है और उसमें किसके साथ हमको ऐड करनी है। तो जैसे 1 by 1 स्टेप, जैसे इसको ऐड, इन दोनों डिजिट को ऐड करने पर जो कैरी आया उसे हम लोग नेक्स्ट जो डिजिट को ऐड करेंगे उसमें हम कैरी ऐड करेंगे। फिर जो ऐड करने के बाद जो आपका जो कैरी होगा उसे नेक्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे तो उसमें आपको कैरी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसी प्रकार से आपको जो भी सारे ऐड हैंगे होंगे वो क्या होंगे, बनेंगे। जैसे 1, 10, 100, 9, 3, 5, 4, 6, 7, 2, 3, है ना। इस प्रकार से भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, इजिली पूर्वक इसे क्या कर सकते हैं, इस ऐड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 9 + 3 = क्या होगा आपका, क्या होगा, 12 होगा। 12 + 5 क्या होगा, क्या होगा, 17 होगा। तो 17 का क्या हम यहाँ राइट करेंगे, 7 राइट करेंगे। कैरी क्या हो गया आपका, 1 हो गया, है ना, और 1 कैरी हो गया। तो अब जो इन डिजिट को हम ऐड करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम कैरी को भी ऐड कर लेंगे। तो 6, 4 क्या होता है आपका, 10 होता है, क्या होता है, 10। और 10 और 7 क्या होता है, 17 होता है। और कैरी क्या आया था आपका, 1 आया था। तो 17 क्या होगा, 18 होगा, क्या होगा, 18 होगा। कैरी क्या आपका लेफ्ट हुआ, 1 हो गया। अब 2 + 3 ऐड करेंगे तो कितना आपका होगा, क्या होगा, 5 होगा। और कैरी क्या था आपका, 1 था, तो 6 हो गया। यानी आप जो है 3 डिजिट वाला जो कैरी का ऐड है वो इसे आप इस प्रकार से मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बुक में, बहुत सारे जो लेसन 5 में है वो 2 डिजिट 3 डिजिट का, है ना, 2 डिजिट का वर्ड जो मैंने बता दिया था, 2 डिजिट का ऐड भी मैंने बता दिया, विद कैरिंग विदाउट कैरिंग भी, और 3 डिजिट का कैरी और विदाउट कैरिंग वाला भी मैंने आपको बता चुका है। अब जो है हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, है ना, वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो देखेंगे आप, यदि आपके पास वर्ड अवेलेबल है तो आपके बुक में क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर वर्ड प्रॉब्लम का,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स पास्ट एंड 178 फेल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एग्जाम में 584 जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, और 178 जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए, फेल हो गए यानी अनुत्तीर्ण हो गए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड, तो जो कितने स्टूडेंट्स जो थे वह एग्जाम में पहुंचे थे, है ना। तो हमें क्या करनी है, उसको सोल्व कर लेना है। तो हमें ऐड करनी 584 178 178। अब इसे क्या करनी है, ऐड कर लेना है। तो थ्री डिजिट का वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्री डिजिट का ऐड भी हमने आपको बताया था। अब इसे ऐड कर लेते, 84 क्या होगा, 48 क्या होगा आपका, क्या होगा 12, कैरी क्या होगा आपका 1 होगा, 87 क्या होगा 15 होगा, कैरी क्या होगा 1 होगा, तो 16 होगा, कैरी क्या होगा 1 होगा, 5 1 6, और कैरी क्या था आपका 1, तो 6 1 7। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स राइट कर दीजिएगा, यही जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद आप जो है बुक के माध्यम से उसे क्या करेंगे, मेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इन अ विलेज देयर आर 456 मेन एंड 348 वुमेन एंड 175 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन ऑल, हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन ऑल, है ना। तो क्या कह रहा है कि एक विलेज में नहीं गांव में क्या है, मैन का जो संख्या है वो 456 है, यानी कितने आदमी है 456, एवं वोमेन यानी कि औरतों की जो संख्या है वो 348 है, एंड 175 जो है वो चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन ऑल, इनकी सभी जो है वह है ना, लोगों की संख्या कितनी है। तो अब जो है हमें क्या करना है, तो क्या करनी है, तो सभी को ऐड करनी है। तो 456 मेन हो गए, 348 वुमेन हो गए, और 175 जो थे वो क्या हो गया आपके, क्या हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, हो गए। तो अब हमें क्या करनी है, सभी को ऐड कर लेना है। तो 6 और 8 क्या होगा, ऐड करने के बाद 6 8 क्या होगा, कितना होगा 14, और 14 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 19, तो 19 9, कैरी क्या होगा आपका
वन होगा, फाइव फोर क्या होगा, नाइन होगा, नाइन सेवन क्या होगा, सिक्सटीन होगा। कैरी क्या था आपका, वन, तो सिक्सटीन वन सेवेंटी, कैरी कितना है आपका अब, ये तो वन, फोर थ्री कितना होगा, सेवन, और सेवन वन क्या होगा, एट, अरे कैरी किया है आपका वन तो नाइन। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि लेसन फाइव का जो वर्ड प्रॉब्लम है, यानी आपको पढ़ना है एडिशन, वन डिजिट, टू डिजिट एंड थ्री डिजिट, विदाउट कैरिंग, विद कैरिंग, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं आपको टू डिजिट थ्री डिजिट का। तो आप लोग जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लेसन फाइव को कंप्लीट कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है वो लेसन फाइव में, लेसन फोर में, लेसन थ्री में जितने सारे क्वेश्चंस जो आपको बताए गए हैं, और आप बुक के बुक में जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं, शेष हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे, और उसे आप नोटबुक में भी नोट कर लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन है ना, नेक्स्ट लेसन क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन। लेसन फिफ्थ जो हो गया वो आपका एंड हो चुका है, खत्म हो चुकी है। अब मैं लेसन सिक्स में चल रहा है ना, तो लेसन सिक्स में क्या पढ़ना है आपको, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जानते हैं आप लोग क्या होता है, घटाव। तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सब्ट्रैक्शन यानी कि नेक्स्ट लेसन चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग को मेरा बहुत सारा प्यार, थैंक्स।